वह चील वगैरह को खिलाते हैं। अभी वो एक वीडियो आई थी शायद कबूतर या परिंदों को दाना डालने के ताल्लुक से, तो उसमें बहुत सारे सवाल लोग करते हैं कि परिंदे को दाना डालते हैं तो क्या कौवे या चील वगैरह को या चील कौवे को ये बोटी या इस तरीके का गोश्त या कलेजी वगैरह खिलाते हैं नज़र उतार के, तो क्या अपनी बुरी बलाओं को टालने के लिए कौवे चील को भी खिला सकते हैं या नहीं, क्या इनको खिलाने पर भी सवाब होगा जिस तरह परिंदों में कबूतर वगैरह या चिड़िया को खिलाने पर सवाब मिलता है, तो इनको जो है ना यानी कौवे चील वगैरह को, क्योंकि ये फासिक किस्म के जानवर हैं तो इसलिए इनको खिलाना जो है वो शरीयत में मना है, और वैसे भी कौवे चील को खिलाना ख़ास तौर से ये तरीका हुनूद है, तो इसलिए ये गैरों के तरीक़ेकार है कि वो लोग इनको जो है वो खिलाते हैं, तो इसलिए इनको गोश्त वगैरह ज़ाया इन पर नहीं करना चाहिए। अगर सदक़ात का मामला है कि सदका वगैरह किसी की जान का या किसी तरीके का निकालना है तो उसमें जो है वो फासिक इस तरीके के फासिक परिंदों को ना डाला जाए बल्कि किसी और को खिलाया जाए जिसके अंदर बर्बाद होने का अंदेशा ना हो, यानी कोई ऐसी चीज़ जो किसी को खिलाई जा सकती है, और अगर कोई ऐसी है जैसे गोश्त वगैरह है या बकरा ज़िबा करा सदका वगैरह किया तो उसको फिर जो है वो इंसानों ही में मुसलमानों में तकसीम किया जाए, उन्हीं को खिलाया जाए। तो ये तरीक़ेकार कौवे चील को खिलाना ये मना है क्योंकि ये तरीका हुनूद भी है और ये फासिक भी हैं, तो इसलिए इनको नहीं खिलाना चाहिए। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।